वो आत्मदाह के लिए कहा गया है, आत्मदाह करने वाला कोई बाबा है वो करेंगे, इसीलिए पुलिस फोर्स बढ़ाया गया। आज मुख्यमंत्री आवास बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के आवास के बाहर एक शख्स ने न्याय नहीं मिलने को लेकर आत्मदाह की धमकी दी है। पुलिस को मिली इस धमकी पर अब पुलिस विभागन यहां पे सीधे तौर पे सजग हो गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, डीजीपी आवास के बाहर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी जगहों पर आत्मदाह करने से रोकने के लिए पुलिस की जो टीम है वो खड़ी है। देखिए एम्बुलेंस एहतियातन पहले ही एम्बुलेंस को बुला लिया गया है, एम्बुलेंस की दो टीमें खड़ी है मुख्यमंत्री आवास के दोनों गेट पर, एक अणे मार्ग के इस गेट पर और पीछे वाले गेट पर भी मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और आत्मदाह की धमकी देने वाले शख्स को रोकने के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। तैयारी देखिए किस तरीके से की गई है, कंबल लाया गया है और आग लगने पर आग बुझाने वाले तमाम जो उपकरण है उसे लाया गया है, उसे रखा गया है और देखिए पुलिस की जो टीम है वो घूम घूम कर तमाम जगह। क्या इनपुट है सर, क्यों आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्यों आज सुरक्षा ज़्यादा बढ़ा दी गई है इस इलाके में? फायर ब्रिगेड जो कंबल लाया गया है वो आत्मदाह के लिए कहा गया है, आत्मदाह करने वाला कोई बाबा है वो करेंगे, इसीलिए पुलिस फोर्स बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री के दोनों गेट पर डीजीपी आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, सभी जगह पूरी टीम मौजूद है एम्बुलेंस के साथ जी। तो सीधे तौर पर न्याय नहीं मिला है, इस बात को लेकर वो शख्स नाराज है और पुलिस मुख्यालय को जो उसने एक आवेदन भेजा था कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो वो सीधे तौर पर आत्मदाह कर लेगा। अभी पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि जो इनपुट मिली है उसके अनुसार हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले ही तमाम जो तैयारी है वो कर लिया है। और देखिए किस तरीके से हम जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास के दोनों गेट पे फिर पूरे इस इलाके में, हालांकि इस इलाके में धरना प्रदर्शन करना पहले से ही मना ही है, धारा 144 लगा रहता है और इसके बीच देखिए ये कंबल जो है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर आग लगा लेता है तो उसे रोका जाए, उसे बचाया जाए, फिर ये फायर सिस्टम है जिससे के माध्यम से आग को बुझाया जाता है और इन तमाम उपकरणों के सहारे पुलिस की जो टीम है उस शख्स को रोकने की कोशिश करेगी। और सीधे तौर पे ये तमाम जो तैयारी है वो कर लिया गया है पुलिस विभाग के द्वारा, मुख्यमंत्री आवास के दोनों ही गेट पे पूरी तैयारी के साथ पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस व्यक्ति ने ये धमकी दी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बाबा हैं, न्याय नहीं मिलने को लेकर नाराज हैं, इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए या उन्हें अब भरोसा नहीं रहा कि उनको न्याय मिलेगी, इसलिए उन्होंने यह चेतावनी दिया था कि अब वो आत्मदाह कर लेंगे और उसे रोकने के लिए पूरी जो तैयारी है वो कर लिया गया है। देखिए अगर स्थिति बिगड़ जाती है उसके लिए यह व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस को लगा दिया गया, मुख्यमंत्री आवास के दोनों गेट पर दो एम्बुलेंस खड़े हैं, यानी किसी भी स्थिति से पुलिस विभाग की जो टीम है वो निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी हाल में उस शख्स को आत्मदाह करने से पहले ही पुलिस की जो चुनौती है रोकने की होगी। तमाम अपडेट हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री आवास पर आज 17 सितंबर को क्यों एक शख्स इस तरीके से न्याय से नाउम्मीद होकर खुद की जान देने पर तुला है और उसे बचाने के लिए पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी जीतोड़ मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है।